सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मधु। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ लेट्स ऑन इस प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ हिलेरी डोरा आई शेडो पैलेट का रिव्यू। इसके दो और शेड्स हैं मेरे पास जो कि ऑलरेडी शायद मैं उनका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। दो और जो शेड है, शेड नंबर 01 एंड शेड नंबर 02, उसके ऑलरेडी रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है हिलेरी डोरा का आई शेडो पैलेट। इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग कुछ इस तरीके की रहती है। पैकेजिंग तो इनकी काफ़ी अच्छी है, जो कार्डबोर्ड रहता है ना वो बहुत ही सही, मतलब अच्छी वाली क्वालिटी का है कार्डबोर्ड। और ये है इसकी इनर पैकेजिंग और इस तरीके की प्लास्टिक की नाउ कैन सी। और इसका जो बॉर्डर येलो कलर का है। एंड इसके जो दो और शेड है उनकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके थी। इन दोनों का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ मैं। ये थी मेरे पास शेड नंबर 01 एंड शेड नंबर 02। शेड नंबर है 2, इसमें 0 मेंशन नहीं है, तो ये शेड नंबर 2 है क्योंकि इसकी पैकेजिंग और उसकी पैकेजिंग डिफरेंट थी। तो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है इसके बैक साइड में, प्राइस, एक्सपायरी डेट वगैरह एवरीथिंग। और ये 12 शेड्स का पैलेट है और ये आराम से अच्छे से ओपन हो जाएगा, तो ट्रैवल फ्रेंडली आप बोल सकते हो। पैकेजिंग काफ़ी सही वाली है और ये मुझे मिला है 200 रुपीज़ में, वो भी लोकल मार्केट में। यस, HR के जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट है वो मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे एंड ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, तो मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 12 शेड हैं जिसमें से कुछ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तभी मैं आपको अपना जो है एक्सपीरियंस दे पाऊँगी। एंड इसमें ना 3 शेड यहाँ पे मैट में है, 3 से 4 शेड मैट में है, बाकी 5-6 शेड जो है वो शिमर शेड है। तो ये दो शेड्स जो हैं आप थोड़ा सा ब्रेक शेड में है एंड ये कॉपर, तो इसको ऐसा कॉन्टोरिंग के जैसे भी आप यूज़ कर सकते हो भी मैट में। तो मैं इसके अभी सर्जेस आपको हैंड सर्जेस दिखाने वाली हूँ। ग्रे कलर काफ़ी अच्छा है, इसका पर्पल कलर काफ़ी अच्छा है। ये दोनों शेड जो मेरे पास दूसरे वाले आई शेडो पैलेट है ना उसमें भी था HR की। और ठीक है, तो अब मैं इनके आपको हैंड सर्जेस दिखाती हूँ। हैंड स्वेचेस काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें से ये गोल्डन, कॉपर, ग्रीन और ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्राइट होके निकल के आ रहा है। वहीं पे अगर पर्पल कलर का जो शेड है वो थोड़ा सा मतलब डाउन हो रहा है, क्योंकि शिमर में ट्राई करें तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, बट हाँ 1 से 2 शेड लगाएंगे आप तो काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा, काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा ये वाला आप। एंड अगर अब जो मैट वाले कलर है उनको ट्राई करें, जैसे कि एक ये है मैट जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे जब इसको मैं स्वेच कर रही हूँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। मतलब ये वाला शिमर शेड भी मैं इसमें ले ले रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने नहीं लिया था ये शिमर शेड। तो सी दिस, ओ माय गॉड। लेकिन इसका जो गोल्डन वाला शेड है ना बहुत ही चंकी पार्टिकल्स हैं उसमें, देखो आप एकदम चमक चमक दिखेगी आपको, तो एज अ शिमर के जैसे अच्छे से काम कर जाएगा। ये कलर को आप ना ऐसा ग्लिटर आई शेडो के जैसे ट्राई कर सकते हो। बाकी के जो मैट है वो काफ़ी सही है और क्रीमी है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी 200 रुपीज़ के प्राइस में बहुत सही है, और अगर आप थोड़ा सा बार्गनिंग करते हो ना तो आपको 170-180 के बीच में भी मिल जाएगा आराम से। तो अब मैं इसको आपको आइस के ऊपर एक रैंडमली अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी कलर को पिक करके एक रैंडमली आई शेडो क्रिएट कर रही हूँ, और प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि आईज के ऊपर कितने अच्छे से वर्क करता है। एंड अगर आप कंसीलर अप्लाई करके या फिर आई प्राइमर अप्लाई करके फिर सेट करके प्रॉपर आईज का बेस सेट करके अच्छे से लगाओगे तो बहुत अच्छे से जो कलर है पॉपअप होके आएगा। यहाँ मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए देख रही थी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे व्हेन आई अप्लाइड, क्योंकि ये फिंगर से भी ब्लेंड हो जाएगा और अगर आप ज़्यादा ब्रशेज़ का यूज़ नहीं करते तो आराम से फिंगर से ब्लेंड हो जाएगा। तो मे बिगनर के लिए भी काफ़ी सही है और आप मेकअप लवर है तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।